नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये हमारी क्यूटी पाई तारा है और मेरे को एक छोटी सी जानकारी देनी थी आपको। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए दोस्तों, हम डॉगी पालते हैं तो डॉगी पालने से ही नहीं होता है, उनकी छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती है जिनको हम पूरा करेंगे तभी वो एकदम से खुश रहेगा। और उनमें से एक छोटी सी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वो क्या देखिए, ये है? हमारी क्यूटी पाई तारा है, ये जर्मन शेफर्ड है, वो तो दिख ही रहा है आपको। ये देखिए, एक छोटी सी जानकारी बतानी थी आपको। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये जो डॉगी होते हैं इनके ये जो पंजे होते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये इनके नाखून होते हैं। इस पंजे के अंदर इनके नाखून होते हैं, ये एक ऊपर की साइड में होता है। कई लोग क्या करते हैं कि इनका ध्यान नहीं रखते हैं, ये बढ़ जाते हैं तो जैसे अपन अपने नाखून काटते हैं उस तरीके से इनके भी नाखून है ना कटवाने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। नहीं कटवाएंगे तो उससे क्या होता है कि इनके हाथ तो होते नहीं है, यही इनके हाथ होते हैं और इनसे ही ये प्यार करते हैं, सारी चीजें इन्हीं से करते हैं। ये देखिए, ये जो इनके नाखून है इसके भी बड़े हुए हैं, मेरे को भी कटवाने हैं इसके इसके 2-3 महीने से। ऐसे अपने जो मेडिकल शॉप पे होते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनकी राय लेके ही कटवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे अपन काटते हैं उस तरीके से काटने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये जो इनके नाखून है ये देखिए, जैसे अपने नाखूनों में भी अपन ऊपर ऊपर से काट लेते हैं उनकी नसें होती हैं, उसी तरीके से इनके नाखूनों में भी होती है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से इनके नाखूनों में भी नसें होती हैं। तो आप खुद मत कीजिए और अपने डॉक्टर से राय लेके फिर इनको कटवाइए, क्योंकि ऐसे ही काटने लग जाएंगे तो इनकी नसें होती है और ब्लड निकलने लग जाएगा, उससे इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये जो इसका पंजा है, इसके नेल्स हैं, ये देखिए जो इसके नाखून हैं, ये देखिए दोस्तों, हमें अपने डॉगी के नाखून प्रॉपर वे में महीने में या 2 महीने में जरूर कटवा लेने चाहिए, वो हमें खुद से नहीं काटना चाहिए। इनका अपन जो नाखून काटते हैं उस तरीके का नेल कटर नहीं आता है, इनका नेल कटर दूसरा आता है जो आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, पर हमें खुद से नहीं कोशिश करनी चाहिए। इधर देखो बेटा, क्योंकि ये जो इनके नाखून है ये देखिए, इनके अंदर भी नसें होती हैं, अगर हम खुद से कोशिश करेंगे तो वो कट जाएंगी और ब्लड निकलने लग जाएगा, और ज्यादा ब्लड निकलने लग जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमें खुद से कोशिश नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की राय लेके किसी मेडिकल शॉप होता है इनके इनका जो हॉस्पिटल होता है वहीं पे जाके कटवा के लेके आना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से इनके नाखून है। और एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ जिससे इसके नाखून किस तरीके से भाई घिस जाएंगे थोड़े से तो उससे भी फायदा हो जाता है। खड़े हो तारा, ये देखिए दोस्तों, आप इनको थोड़े कच्चे में घुमाइए। ये देखिए जैसे हमारा कच्चा है, इस तरीके से इस पे घूमेगा तो उससे भी उसके नाखून थोड़े घिस जाते हैं। आप इसको वॉक पे लेके जाइए, सुबह शाम रोड जहाँ पे रोड रहती है उस पे घुमाइए, उससे भी इसके नाखूनों में वो घिस जाते हैं और इनको अच्छा भी लगता है और ये बिल्कुल हेल्थी भी रहते हैं, खुश रहते हैं। और नहीं कटवाएंगे तो उससे परेशानी ये होती है कि जब भी ये अपना प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करने की कोशिश करते हैं, अपनी खुशी जताते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ से अपने हाथ से ऐसे करके करते हैं तो ये नाखून लग जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और कोई वो नहीं है। और खुद के भी लगा लेते हैं ये, अगर इनके नाखून नहीं कटवाएंगे। देखिये, मैं कुट्टी पाई तारा को देखिए तो ये खुद भी अपनी कोई भी बॉडी के कोई भी पार्ट पे ऐसे जैसे खुजली करते हैं, इधर करो ऐसे, जैसे इसके मुंह के पास में खुजली करते हैं तो वहां पे भी लग जाते हैं और इनको परेशानी होती है। देखिए दोस्तों, हम डॉगी पाल तो लेते हैं पर उनकी केयर ढंग से नहीं करते हैं तो वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे अपन अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं उसी तरीके से इनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बोल नहीं पाते हैं पर अपन लाते हैं तो जिम्मेदारी तो अपनी है, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाइए और इनको खूब सारा प्यार कीजिए और इनकी देखभाल कीजिए, इनको इनकी देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ नहीं मांगते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये थी छोटी जानकारी मेरी, आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।